तो मैं आप लोगों से बहुत दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे ऐसे परेशान हाल लोग हैं। कल मैं बैठा हुआ था इत्तेफाक से, शाम को एक बच्ची आई बहुत अच्छे घराने की थी, वो मौजूद है इस वक्त यहाँ महफिल में, उसके वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, काम नहीं चल रहा था। 85 या 89% उसने मुझे बताया, 12th में आई थी, BSc की स्टूडेंट है, उस वक्त उसने बाप ने पैसे दिए, उसने एडमिशन ले लिया। अब उसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, वो परेशान थी, उसे मालूम था कि मेकर्स में इस तरह की मदद होती है। वो मुझसे आई और आप यकीन मानिए वो मुझसे बात करते करते रोने लगी ज़ारों कतार कि मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बा ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो। तो आप सोचिए कि अगर पैसों की कमी की वजह से एक शख्स जो इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता था और हम अपनी तिजोरियों पर बैठे रहे, हमारी ज़रूरियात कभी ख़त्म ही नहीं हुई, पूरी ही नहीं हुई, मैं उनको ज़रूरियात नहीं बल्कि शौक़ कहता हूँ, और हमारे पड़ोस का, हमारे मोहल्ले का बच्चा तालीम की महरूमी की वजह से वो बदहाल रहा, तो क्या हो, क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के? और हम आए दिन, अब तो पहले तो अभी 3-4 दिन पहले डिस्कशन हो रहा था कि पहले तो 70, 75, 80 साल की उम्र में लोग मौत आती थी या सोचते थे कि वो मरेगा, अब तो आए दिन सुनने को मिल रहा है 19 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो ऊपर वाला शायद हमें जगाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम ये सोचते हो कि तबाही उम्र पे जाके तुम्हें मौत आएगी, मौत तो कभी भी आ सकती है, और ये तुम्हारे रिश्तेदार की हुई, ये तुम्हारे पड़ोसी की हुई, ये तुम्हारे जानने वाले की हुई, इसलिए जाग जाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है उसकी अदायगी में लग जाओ, वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत सब यहीं रह जाएगी और तुम दो गज ज़मीन के नीचे दफन हो जाओगे। तो मैं आपसे बेइंतहा अदब के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि वीकेंड्स में बेहद ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं, हम लोग पूरी तहकीक करते हैं, किसी बच्चे को हम कैश अमाउंट नहीं देते जब तक उसका अकाउंट नहीं होता, हम उसको चेक नहीं देते, हम बहुत ही दयानतदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। और एक बात और आपको बताऊँ, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, घरों से मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन हमें इतना शुक्र हमने अदा किया अल्लाह का कि कोविड के ज़माने में, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो हमने सोचा कि जिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, मैं अपनी बात थोड़ी सी तबील हो रही है बस ख़त्म करता हूँ आखिरी बात करके, तो हमने सोचा क्यों ना उनके घरों का हाल मालूम किया जाए। हमारे पास पूरी लिस्ट थी, तो हमने सबसे पहले तकरीबन 190 या 195 यतीम बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप की कैप से लेते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले इनके घरों पर चलते हैं। तो मैं और मेरे शहजी अहमद कमाल, हम दोनों ने पास बनवाया और हम लोग फूड पैकेट तैयार करवाए और हम लोगों के घरों पर, आप यकीन मानिए आंसू आ गए देख के किन हालात में हम लोग रह रहे थे। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं अपन उनके घरों पे चलते हैं, फिर हमने वो लिस्ट निकाली और हम उनके पास गए, फिर जो कसीरुल औलाद थे हमने उनको सिलेक्ट किया, इस तरह हमने काम किया। तो आप यकीन मानिए कि एक घराना भी हमें ऐसा नहीं मिला जिस पर हमें अफसोस होता कि हमने किसी मुस्तहिक का हक ना देकर एक गैर मुस्तहिक को दे दिया। तो ये मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे साथी, ये सब मिलकर बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी बात शायद ज़्यादा तवील हो गई, लेकिन आप लोग मौजूद थे, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी बातें शेयर करूँ जो कुछ हम रोज़मर्रा में देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और आपके तआवुन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और एक शेर मुझे जो बहुत पसंद है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग है ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग है ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जज़ाकअल्लाह।